owns a house property in Pune. एक का घर का है पुणे में. डिटेल म्युनिसिपल वैल्यू बता रहा है 2 लाख पर एनम. फेयर रेंट बता रहा है 1,80,000 पर एनम. गुड मॉर्निंग सर. ये डाउट क्लियरिंग का समय पहले वो क्लियर कर रहा है. तो बोल रहा है कि एक्स ओन साउथ प्रॉपर्टी इन पुणे, म्युनिसिपल वैल्यू जिसका 2 लाख पर एनम है, फेयर रेंट 1,80,000 पर एनम है और स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 पर एनम है. तो पहला बात हम क्या करेंगे, आर ई आर निकालना है हमको. आर ई आर तो निकल जाएगा क्योंकि हम किसको किसको कंपेयर करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से. दोनों में कौन बड़ा? अच्छा यहाँ पे आगे दिक्कत है, रुको पहले सम पूरा पढ़ लेते. इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. जिसका रेंट था 10,000 पर मंथ 15 अक्टूबर तक और फिर 12,000 पर मंथ हो गया 15 अक्टूबर के बाद से. प्रॉपर्टी हम बेच दिया, एक्स बेच दिया वाई को फरवरी 28 को. यानी मेरे पास घर कितना महीना रहा मिस्टर एक्स के पास? 11 महीना. और वाई मार्च महीने का रेंट रिकवर भी नहीं कर पाया, मतलब 1 महीने का उसका अनरियलाइज रेंट भी हो गया. वो 1 ही महीना का रेंट पाने वाला था क्योंकि वाई घर खरीद लिया है फरवरी 28 को, यानी मार्च में वाई ओनर है. तो वाई को 1 महीने का किराया मिलना चाहिए था 12,000, वो उसको नहीं मिला होगा क्योंकि वो अनरियलाइज होंगे, फेल टू रिकवर बोल रहे. और हम मान रहे हैं रूल 4 का वो जो 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया होगा अनरियलाइज रेंट के लिए. खाली करवा लिया होगा घर, रेंट रिकवरी का अपना पूरा प्रोसेस फॉलो किया होगा, लीगल एक्शन लिया होगा, वो सब किया होगा. वो तुमको यहाँ पर बोल रहे हैं जीएवी निकालो एक्स और वाई दोनों के एंड में. ठीक है, तो अब देखो तुमको यहाँ पे पहले एक्स के लिए सॉल्व करना है. एक्स के पास घर कितना दिन रहा? 11 महीना. तो उसको 11 महीने का ही तुम फेयर रेंट जीएवी ये सबको निकालो. तो तुम्हारा टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 2 लाख. 2 लाख अगर 12 महीने का है तो 11 महीने का कितना होगा? 1,83,333. हाँ. तुम्हारा फेयर रेंट 1,80,000 12 महीने का है तो 11 महीने का कितना होगा? 1,65,000. तुम्हारा स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 पर एनम है तो 11 महीने का कितना होगा? 1,92,500. तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फेयर और म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर. दोनों में हायर है 1,01,83,333, 1,83,333. उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, व्हिचएवर इज लोअर लेना है. तो सर 1,83,333 ही मेरा आरईआर हो गया. मेरा एआरआर क्या होगा? घर ही मेरे पास 11 महीना रहा तो 11 महीने का एआरआर लेंगे ना. मेरा एआरआर क्या होगा सर? आप 10,000 रुपया पर मंथ दे के रखे थे 6.5 महीना के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना पूरा, अक्टूबर का 15 दिन. 15 अक्टूबर से किराया बढ़ा है ना घर का. हाँ. तो सर आप 6.5 महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा 6 महीना और अक्टूबर का 15 दिन, 6.5 महीने के लिए 10,000 पर मंथ भाड़ा ले रहे होंगे. और उसके बाद अक्टूबर का 15 दिन और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यानी 4.5 महीना आप किराया 12,000 लिए होंगे क्योंकि लास्ट महीना तो एक्स के पास घर ही नहीं था तो बेच दिया. और आउट प्रॉपर्टी एडमिट टैक्सेबल का पहला 3 कंडीशन क्या है? चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? सर घर होना चाहिए, तुम उसका ओनर होना चाहिए और वो अपने बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए. तो सर घर ही नहीं है लास्ट महीना में, तो सेकंड कंडीशन डिफीट हो रहा है, तुम ओनर नहीं है, घर है सॉरी तुम ओनर नहीं है. तो 4.5 महीना का कितना होगा? 12,000 × 4.5 और 10,000 × 6.5, 1,19,000. तो उससे कंपेयर करेंगे दोनों में कौन बड़ा. मेरा तो कोई अनरियलाइज रेंट है नहीं मिस्टर एक्स का, तो 1,83,333 मेरा जीएवी. लेकिन मिस्टर वाई का क्या होगा? ये तीनों फिगर सर अगर 1,65,000 11 महीने का तो 15,000 होगा 1 महीने का. म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख में से 1,83,333 11 महीने का है तो 16,667 1 महीने का. और स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख कितना था? 1,02,10,000 साल भर का, 1 महीने का 17,500.
इन दोनों में हायर पे रेंट ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू में तो 16667, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया विच एफ इज लोअर तो 16667 में 17,500 में 16667 लोअर। अब आता है सर एक मिनट का तो ये भी तो नील होना चाहिए। ओ सॉरी ARR माइनस यू आर, हाँ ठीक है सॉरी सॉरी मेरा नील क्यों होगा, ARR माइनस यू आर करके कंपेयर करेंगे ना, मेरा ARR कितने एक महीने का 12,000 और वही रिकवर भी नहीं हुआ तो जीरो, ये क्या हो गया नील। नील को अगर 16667 से कंपेयर करें विच एवर इज हायर तो सर 16667 उसका GAV है जिस पे वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। क्लियर है? यही डाउट था ना, क्या डाउट था मतलब हम ये भी नहीं पूछा था तुमसे पहले, तो डाउट क्या था? नहीं मेरे को स्टेप्स में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। अच्छा ठीक है। 43 नंबर देखिए, व्हेन देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट एज वेल एज वैकेंसी दोनों है मस्त सम है। 43 अपने किए नहीं थे क्या? नहीं किए थे ना? नहीं तुम्हारा 43 में डाउट है ना? हाँ, यही वाला में डाउट है कि ऊपर वाला जो लाइन था। अच्छा ये वैकेंसी वाला। हाँ बेटा जी रूल क्या बोलता है सुन लो, पहले आरिया निकाल लोगे वहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं अब क्या बोलता है सर, उसको कंपेयर करेंगे 12 महीना का जो एनुअल रेंट होता माइनस अनरियलाइज रेंट से। सर घर ही अगर 12 महीना बना हुआ नहीं होता तब 12 महीना नहीं लेंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में था घर ही तुम्हारे पास 11 महीना था ना बेटा और मिस्टर भाई के पास एक महीना था ना, तब तो एक ही महीने का रेंट लेंगे ना। लेकिन अगर तुम्हारा घर पूरा 12 महीना हो तो पहले 12 महीना का रेंट लेके अनरियलाइज रेंट माइनस कर लो फिर कंपेयर करो दोनों में, विच एवर इज हायर लेना है, रूल यही बोलता है। अब अगर बेटा जी आ रही अगर हायर आ जाए तो वही GAV ले लो, और अगर AR माइनस UR हायर आ जाए तब इसमें से अगर वैकेंसी है तो माइनस करो फिर जो आएगा वो GAV। बात समझ में आया? तो चलो करके देखते हैं। तुमको बोल रहा है ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में कौन बड़ा है, 150 140 सर 150 बड़ा है, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर लोअर लेना है तो 120 लोअर है तो अल्टीमेटली मेरा आरियर आ गया 120। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्चुअल रेंट इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अगर पूरा 12 महीना किराए पे देते तो कितना रेंट आता 180। अनरियलाइज रेंट कितना बता रहा है 25, तो हम क्या करेंगे मेरा आरियर क्या आ रहा है हाउस वन के लिए 120, उसको कंपेयर किससे करेंगे 12 महीना का किराया माइनस अनरियलाइज रेंट। ठीक है 12 महीने का किराया कितना है 180, उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस कर लो पहले, अब कंपेयर करो तो 180 120 तो यही और 180 माइनस 25 कितना होगा 155 दोनों में कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, किराया 12 महीना का लेके कंपेयर किए। लेकिन सर आपका घर 3 महीना वैकेंट था, अब अगर ये 155 बड़ा आ गया है ना बेटा, अब अगर ये वाला ले रहे हो तब फिर आपको वैकेंसी माइनस करना है। कितना है ना 3 महीने का वैकेंसी है बेटा, 12 महीने का 180 तो 3 महीने का रेंट कितना 45 आई थिंक, एक बार कैलकुलेट करके देख लो 180 बाय 12 × 45। एक सौ दस आएगा ना, 155 में 45 माइनस करेंगे
तो देखो 110 मेरा जीए में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउस टू पे म्यूनसिपल वैल्यू 180, फेयर रेंट 140, रिच एवरेज हायर 180 हायर, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे रिच एवरेज लोअर, तो 180 लोअर रह गया, तो आर ई आर तो 180 आ गया, हाउस टू का आर ई आर आ गया 180। अब लेते हैं 12 महीने का किराया माइनस अनरियलाइज रेंट, आर ई आर आ गया 180, 12 महीने का किराया कितना है बोल रहे 300 तुम्हारा किराया है, 300 × 1000 कर लो मतलब 3 लाख तुम्हारा किराया है, 300 एक बार लो कोई दिक्कत नहीं है, 300 तो 300 माइनस अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट है 40, कितना आएगा 260, 180 और 260 में कौन बढ़ा, 260 बढ़ा है, अगर ये वाला ले रहे हो तो वैकेंसी माइनस करना होगा, तुम्हारा वैकेंसी एक महीने का है, तो बेटा जी 300 अगर किराया 12 महीने का तो एक महीने का कितना होगा 300 / 12 = 25, तो 260 माइनस 25 करके जीए भी ले, तो 235, ये रहा 235 तुम्हारा जी। लास्ट वाला घर देख लेते हैं, वैकेंसी नहीं है यहाँ, तो यहाँ बोले ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू और पेयर रेंट, तो यहाँ पे पेयर रेंट बढ़ा है 240, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, तो विच एवरेज लोअर यानी 240 लोअर है, तो 240 तुम्हारा आर ई आर आ गया, यहाँ वैकेंसी है ही नहीं, अनरियलाइज रेंट जरूर है 20, तो वही कंपेयर करो 150 माइनस 20, ये कितना आता 130, 130 और 240 में कौन आया 240, 240 की मेरा जी ए भी होगी, 240 तुम्हारा जी ए भी हो गया। सर अगर यहाँ वैकेंसी होता भी मान लीजिए 2 महीने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरी आरी बड़ा आ गया ना, बिना वैकेंसी माइनस किए ही, बिना वैकेंसी माइनस किए जब 12 महीना का रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट से कंपेयर किए, आरी आरी बड़ा आ गया, हमको वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, इग्नोर वैकेंसी, डन। तो ये है तुम्हारा सम, आगे वाला बना के रखना, नहीं समझ में आएगा हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। हम समझ रहे तुम स्टेपिंग में ये अटक गए थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम स्टेपिंग के पहले आगे, अब तो स्टेपिंग का प्रिंसिप वापस क्लियर हुआ है थोड़ा, तो अब आगे वाला सम देख लो, डाउट होगा तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी और का कोई डाउट है? गौरव, आकाश, आनंद? नहीं है। चलो म्युनिसिपल टैक्स पे आते हैं। हम लोग क्या सीखे अब तक, हम लोग तीन टाइप का घर का कहानी पढ़े है पूरा चैप्टर में। सर तीन टाइप का घर होगा, क्या क्या तीन टाइप का घर है बेटा? सर लेट आउट हो सकता है, एलओ, सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है, और डीएलओ भी हो सकता है, डीम टू बी लेट आउट। मेनली ये तीन ही टाइप का घर हो सकता है ना, या तो घर किराए पे है या घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो दो घर तक तो सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाई देते हैं। सर उसके अलावा कोई घर है जो न तो किराए पे है और न सेल्फ ऑक्युपाइड है, खाली पड़ा है खाली, या फिर दो घर से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा चुके, अब एक घर और है अभी भी, उसको क्या मानेंगे? डीम टू बी लेट आउट, डीएलओ। सेल्फ ऑक्युपाइड और डीएलओ का फॉर्मेट तो मोटा मोटी सेम ही है, जीएबी तक क्लियर लिए, लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स क्या आएगा? एनएवी, उसमें से क्या माइनस करेंगे? सेक्शन 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि है 30% ऑफ एनएवी, उसमें से और क्या माइनस कर रहे हैं? सेक्शन 24B का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो आ रहा है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये किसका फॉर्मेट है सर? लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट दोनों का। सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या फॉर्मेट है सर? एनएवी तक नीली है, अगर एनएवी नीला है तो सेक्शन 24A होगा ही नहीं, और 24B का अगर फिगर है तो वो माइनस करो तो आ जाएगा नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है ब्रेन में फॉर्मेट वाइज? हाँ सर। जीएवी का कंसेप्ट पूरा क्लियर है?
यानी लेटआउट के लिए जीएबी निकालना तुमको क्लियर है सर। डीएलओ का जीएबी कैसे निकलेगा? सेल्फ ऑक्युपाइड में तो जीएबी होगा ही नहीं। जीएबी अगर नहीं है तो म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हो लेकिन माइनस करने नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में, इसलिए एनएवी टैक्स सब नील है। लेकिन टीम टू लेटआउट में क्या होगा? अरे सर बहुत आसान, अगर आप भाड़ा पे दिए नहीं हो बट माल ले रहे हो भाड़ा पे दे रहे हो तो बेटा आ रही तो आपका जीएबी हो जाएगा, क्योंकि जब एक्चुअल रेंट तो फिर है ही नहीं कोई, घर डीम टू बी लेट आउट मान रहे, एक्चुअली लेट आउट थोड़ी ना है। तो बेटा डीम टू बी लेट आउट मान रहे तो कोई भाड़ा हाथ में आ रहा है क्या? कोई भाड़ा कमा रहे हो क्या? नहीं ना? नहीं सर। तो सर जी जब कोई भाड़ा नहीं कमा रहे हो तो डीम टू बी लेट आउट में लास्ट वाला स्टेप डिलीट कर दो, आरईआर को ही जीएबी मान लो। क्लियर है मेरा बात? अब आ जाइए म्युनिसिपल टैक्स पे, सब छोटा मोटा एक दो बात कर रहे हैं, बड़ा बात कुछ नहीं है। बड़ा बात केवल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे ही है। सब म्युनिसिपल टैक्स में क्या बात करना है? दो मेन काम का बात है, इट मस्ट बी एक्चुअली पेड। पहला बात तो म्युनिसिपल टैक्स का अगर वैल्यू दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो किस पे कैलकुलेट होगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे। सर ऑब्वियस बात तो म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू पे निकले अगर परसेंटेज एग्जाम में दे देगा, लेकिन कौन सा वाला म्युनिसिपल वैल्यू? ग्रॉस की नेट? नेट पे। और ऊपर जब जीएबी निकालते हो तब कौन सा म्युनिसिपल वैल्यू लेते हो? ऑलवेज ग्रॉस। ये बात अपने ब्रेन में क्लियर रखनी कि जीएबी निकालने के लिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए हमको नेट म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। क्लियर है मेरा बात? ये ग्रॉस टू नेट का बात हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। हाँ है ना? हाँ सर। सर ये म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है आप लोग सब जानते हो? आप लोग जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो अगर आपका खुद का है तो फिर आपको अपने एरिया की म्युनिसिपैलिटी को एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है एनुअली। वो आपके एरिया वाइज घर का एरिया यानी कितना स्क्वायर फीट जगह है उसके हिसाब से एंड कौन से लोकेलिटी में हो उसके हिसाब से म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइड होता है, उसी के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स लगता है। ये परसेंटेज भी एरिया वाइज बदलता है, कलकत्ता का परसेंटेज कुछ और होगा, हावड़ा का परसेंटेज कुछ और होगा, बेलगोरिया का कुछ और होगा, भवानीपुर का कुछ और होगा। तो सर म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज ऑफ एनएमवी पे निकलता है। सर एनएमवी म्युनिसिपल टैक्स में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? एक तो तुमसे वो लोग ले रहे हैं सर्विस टैक्स, तीन चीज एक्चुअली में देखा जाए तो तुमसे तीन चीज का चार्ज लेता है, तीनों को जोड़ के म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। तुमसे फायर टैक्स, वाटर टैक्स और सिवरेज यानी साफ सफाई का टैक्स लेता है म्युनिसिपैलिटी। तुम्हारे एरिया में आग लगे तो दमकल आता है ना, फायर ब्रिगेड, वो फायर ब्रिगेड वाला क्या पैसा लेता है क्या जब आग लगने पे कॉल करते हो तो? कितना चार्ज लगेगा तब आगे आग बुझाएंगे बोलो बोलो? नहीं नहीं सर कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन सर वहां खर्चा तो लग रहा है तो ये म्युनिसिपल टैक्स तुम जो देते हो उसमें वो कवर्ड है। अपने बंगाल में पानी पे टैक्स नहीं लगता, बट तुमको ये पानी सप्लाई के लिए वाटर बोर्ड होगा जो तुम्हारे एरिया में रोज पानी सप्लाई करता होगा इतना। सर वो लोग पे स्टाफ है, काम तो खर्चा तो हो ही रहा है तो वाटर टैक्स लग रहा है। नाली का और क्या साफ सफाई होता है? म्युनिसिपैलिटी वाले वो लोग आते हैं रोड सफाई करने और नाली का सफाई करने। देखो तुम्हारे घर में जो आते हैं कूड़ा लेने उनको तो तुम पे कर दे रहे हो, लेकिन रोड का जो साफ सफाई है उसको तो तुम कोई पे नहीं कर रहे, बट हो रहा है साफ सफाई तो सर, नाली का साफ सफाई, गार्बेज क्लीनिंग, तो सर साफ सफाई का टैक्स। तो वाटर टैक्स, फायर टैक्स और सर्विस टैक्स लाख साफ सफाई वगैरह ये सब को जोड़ के तुमसे एक टैक्स लिया जाता है जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। केवल थ्योरेटिकल काम का बात था, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम ओरिएंटेड अब ये दो कंडीशन है, तुमको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने दो ही सिचुएशन में मिलेगा। तुम कौन हो? लैंडलॉर्ड की टेनेंट? हम जब बोल रहे हैं तुमको लैंडलॉर्ड, हाँ तुम लैंडलॉर्ड हो। सर अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स दे रहा है तो क्या उसको छूट मिलेगा? सोचो सोचो बोलो, ट्राई करो अपना दिमाग लगाओ।
सर टेनेंट कोई भाड़ा ही नहीं कमा रहा है तो किस बात से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेगा, है ना? तो टेनेंट को नहीं मिलेगा। अगर टेनेंट से लैंडलॉर्ड बोल दिया ना तुम म्युनिसिपल टैक्स दे दो, तो टेनेंट दे रहा है, टेनेंट को छूट मिलेगा नहीं। लैंडलॉर्ड खुद की पॉकेट से दे नहीं रहा तो उसको भी छूट नहीं मिलेगी। इसीलिए पहला कंडीशन क्या बोला, मस्ट बी एक्चुअली पेड, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए, एंड मस्ट बी पेड बाय द एसएससी। मतलब लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा खुद, ठीक बात? तो दो कंडीशन क्लियर है, एक्चुअली में पेमेंट होना चाहिए और वो भी किसकी पॉकेट से, लैंडलॉर्ड की पॉकेट से, तभी छूट मिलेगा। पॉइंट क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है, टोटल म्युनिसिपल टैक्स बनता है 3,000 रुपया साल का, 1,800 रुपया लैंडलॉर्ड खुद दिया, टेनेंट से 1,200 रुपया दिलवाया, बताओ लैंडलॉर्ड को कितना छूट मिल सकता है? पूरा 3,000 कि जीरो कि 1,800? 1,800 रुपया लैंडलॉर्ड दिए, टेनेंट की पॉकेट से वो 1,200 रुपया दिलवाया, तो लैंडलॉर्ड को कितना छूट मिल सकता है? पूरा 3,000, 1,800 कि जीरो? सर लैंडलॉर्ड 1,200 रुपए टेनेंट से लेके खुद दिया या टेनेंट को जाके बोला देने? जो भी है टेनेंट की जेब से जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता, टेनेंट की जेब से जाने का बात हो रहा है, जमा देना मतलब हाथ से जमा देने का बात नहीं हो रहा है। बोलो। नहीं मैं जीरो मिलेगा 3,000 की 1,800? अमाउंट बोलो, अमाउंट नहीं और आनी पूछा, जीरो 3,000 की 1,800? हाँ 1,800। सर लैंडलॉर्ड अपनी जब से 1,800 दिया उसको 1,800 को छूट मिलेगा, क्लियर है मेरा बात? पेड बाय द एसएससी का मतलब यही है, जितना लैंडलॉर्ड अपनी जब से पे कर रहा है, ठीक है? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23? 21-22 का भी म्युनिसिपल टैक्स इस बार पे हुआ है, 22-23 में 22-23 का 3,000 तो दिया ही है लैंडलॉर्ड, और 21-22 का भी 3,000 अभी दिया है, तो 6,000 का छूट मिलेगा 22-23 में कि 3,000 का? 3,000 का। बाकी लोग भी अपना अपना रिप्लाई करो। 3,000 बेटा जी, पूरा 6,000, क्योंकि 21-22 को छूट ही नहीं मिला होगा, 21-22 में पे नहीं किया था ना, 21-22 का अभी पे कर रहा मतलब 21-22 में नहीं पे किया होगा, ठीक बात ना? तो सर अगर 21-22 में वो पे नहीं किया तो 21-22 में छूट नहीं लिया, पे कर रहा अब ले लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है जब पे करोगे तब छूट ले लेना, लेकिन बाकी अगर देना तो हम छूट नहीं लेने देंगे, आउटस्टैंडिंग है तो हम छूट नहीं लेने देंगे, जब पे करोगे तब छूट ले लेना। ये नहीं बोला करंट ईयर का, करंट ईयर में पे नहीं करोगे तो कभी छूट नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला है कहीं पर, ठीक बात? अच्छा सर 23-24 का भी 3,000 अभी दे दिया, 6,000 का छूट मिलेगा कि 9,000 का? 6,000। हाँ एडवांस पे करोगे तो छूट नहीं देंगे, अगले साल ले लेना जब 23-24 का रिटर्न फाइल करोगे, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर, मेरे को बोल लेने दो फिर आ रहे क्वेश्चन पे, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का अगर इस साल पे कर रहे हो तो छूट ले लो, फ्यूचर ईयर का एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो अभी छूट नहीं लेने देंगे, जब पे करोगे तब ले लेना, बात इतना सही है बस। अब बोलो क्या बोल रहे थे?
अच्छा सर, कोई अगर ऐसा हुआ, कोई बैकएंड छोड़ दिया अपना घर, म्यूनिसिपल का टैक्स जो है वो नहीं दिया, अब ऐसे करते हुए 10-12 साल हो गया, तो उसके बाद वो जब जाके जमा करेगा तो वो पूरा 10-12 साल का छूट एक बार में ले पाए? एक बात ध्यान में रख लो, पहले अगर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा के जमा नहीं किया था म्यूनिसिपल टैक्स तो छूट नहीं मिलेगा, लेकिन वो ईयर्स में वैकेंट पड़े थे घर, ठीक है, तो वैकेंसी पे आप टैक्स तो दिए जा रहे थे क्योंकि डीम टू लेट नहीं दे रहे थे, डीम टू भी लेट आउट मान के। सर टैक्स क्यों नहीं दे रहे थे? मतलब इधर थे नहीं इसीलिए हम दे नहीं पाए, इनकम टैक्स का रिटर्न पहले नहीं किए थे? नहीं नहीं, वो तो फाइल कर रहे थे, तो वो फाइल कर रहे थे, घर का जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स पे टैक्स नहीं भर रहे थे? हाँ वो तो, ओ हाँ वो तो भर रहे थे, तो 2000 सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो ना बेटा जी? सर मेरा 4000 है, 2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया, एक मेरा एक्चुअली लेट आउट था और एक मेरा खाली पड़ा था, उसको गवर्नमेंट क्या मान लेगा? डीम टू बी लेट आउट। हाँ तो सर जी, डीम टू बी लेट आउट माने तो टैक्स नहीं दियो? सर टैक्स दिए जा रहे थे इनकम टैक्स। सुनो मेरा कहानी, हम दोनों स्टोरी लेगा, ठीक है, नहीं दिया तब और दिया तब। सर टैक्स दिए जा रहे थे इनकम टैक्स को 10 साल से, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स नहीं जमा कर रहे थे तो छूट नहीं ले रहे थे, है ना? अगर म्यूनिसिपल टैक्स जमा नहीं कर रहे थे तो म्यूनिसिपल टैक्स का छूट भी नहीं ले रहे थे 10-12 साल से? नहीं ले रहे थे। अब एक बार में म्यूनिसिपल टैक्स भरे हो, ले लो छूट, कोई दिक्कत नहीं है पूरा 12 साल का। अच्छा ठीक बात ना, तुम्हारा सवाल यही था। अब तुम्हारे सवाल में हमें पिच डाल दें, सर घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा के रखा था 12 साल से और म्यूनिसिपल टैक्स नहीं भर रहा था, अब भर रहा है 12 साल बाद, 12 साल का एक साथ, बोलो जी क्या करें, छूट दिलवाएं कि नहीं दिलवाएं? अब ये अगर ना लेट आउट किया, चलो थोड़ा सा ट्विस्ट को आजाड़ी के पहले सिंपल रखते हैं, फिर ट्विस्ट ऐड करेंगे। सर 12 साल तक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखा था, 12 साल से म्यूनिसिपल टैक्स नहीं भरा था, अब भर दिया, बोलो जी छूट दिलवाएंगे नहीं दिलवाएं? होगा तो कौन बोला होगा? तोमजीत बाबा, तोमजीत बाबा एक जिनिस बोलो तो, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पे म्यूनिसिपल टैक्स का छूट अलाउड भी है क्या? ओ हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उस पीरियड में तुम अगर घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखे हो बेटा, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? भैया जी टैक्स नहीं ना भरे हो? नहीं जी नहीं भरे, सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखे थे, तो बोले छूट का आएगा भाई। अब तो मुझे पिच डालते हैं, तो मुझे अब पिच डालते हैं और एक इसी में, सब 12 साल घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखे थे, ठीक है, अब घर को दिखाए लेट आउट, इस साल भाड़ा कलेक्ट किया, टैक्स देना बनता है? हाँ बनता है। अब इस साल का म्यूनिसिपल टैक्स और 12 साल का म्यूनिसिपल टैक्स एक साथ जमा किए, करंट ईयर में घर किराए पे दिखा रखे? हाँ दिखा रखे। जीएवी है? बिल्कुल होगा सर, अगर करंट किराए पे दिखा रखे हैं तो। अब करंट ईयर का भी म्यूनिसिपल टैक्स पे किए, मतलब इस प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर बोलने का मतलब हो गया इस प्रीवियस ईयर का, जिस प्रीवियस ईयर में ये इनकम शो कर रहे हो, और पिछले 12 साल का भी म्यूनिसिपल टैक्स इसी साल जमा दिए, तो आप बताओ क्या करें? बस प्रीवियस का ही लेंगे। वेरी गुड। और जो पिछले 12 प्रीवियस है वो नहीं लेंगे? हाँ नहीं लेंगे सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रखे थे आप, तो गवर्नमेंट तो सीधा आपका गला पकड़ के क्या बोलेगा, अरे बाबा रे उसमें इनकम नहीं दिखाया, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर दिखा रखे हो, काय का छूट, है ना? तो मेक सेंस? हाँ चलो ठीक है। तो सर दो सिंपल कंडीशन है म्यूनिसिपल टैक्स का छूट क्लेम करने का, घर म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली में पेड होना चाहिए, और पेड बाय टेनेंट नहीं, पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए, और एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हो तो छूट नहीं मिलेगी। जब पे करोगे जिस साल जितने सालों का सारा छूट मिल जाएगा एडवांस छोड़ के, लेकिन बस पेड होना चाहिए और पेड बाई एसएससी होना चाहिए।
ठीक बात है, यानी सर अनपेड म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट शैल नॉट बी अलाउड एनी डिडक्शन. हाँ, इट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. एडवांस का नहीं मिलेगा. अरे सर मिले, एडवांस दे दिए छूट नहीं मिलेगा. अरे बेटा जी ले लेना ना नेक्स्ट ईयर, इस ईयर बोल दो. सर मेरा प्रॉपर्टी फॉरेन में है, छोटा छोटा आप दो तीन बात है केस स्टडी के लिए. सर मेरा प्रॉपर्टी का है लंदन में, वहां पे हम म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं और वहां से रेंटल इनकम अर्न किए. इंडिया में टैक्स बनता है? हाँ सर, अगर हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इंडिया में टैक्स बनता है, या फिर तीनों में से कोई भी है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए तो इंडिया में टैक्स बनता है. लेकिन सर इंडिया में आप उस इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स आप इंडिया में पे नहीं किए, क्योंकि प्रॉपर्टी लंदन में है तो लंदन का अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड होगा तो वहां पे किए होंगे, अगर वहां लगता है वैसा तो. क्या इंडिया में छूट मिलेगा उसका? बोलो, इंडिया में छूट मिलेगा उसका? ट्राई तो करो, हाँ या ना, इतना टाइम क्यों लेना है? लॉन्ग ही तो होगा, होने दो ना. डिबेटेबल टॉपिक से ये सब, मजा आना चाहिए बात करने में. सर कहीं भी पड़े हो गया, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए. कहीं पर भी पढ़े हो अभी तक इस चैप्टर में कि एग्रीकल्चर इनकम में पढ़े थे सर, वो बात कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए. इस चैप्टर में कहीं पे पढ़े हो गया कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए? नहीं ना? नहीं सर. तो सर मिलेगा तो वहां पे क्या बोला, देखो अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री है, टैक्स पेड टू फॉरेन लोकल अथॉरिटी है, फिर भी इंडिया में रिडक्शन मिलेगा. अगर इंडिया में टैक्स पेड, अरे भैया जी इंडियन गवर्नमेंट बोला इनकम कमाए टैक्स दे दो और म्युनिसिपल टैक्स जो हम भूल जाने दें, ऐसे थोड़ी ना होता है. अब गौरव तुम्हारा वाला जो क्वेश्चन था ना, सॉरी तमोजित, मान लो मेरा जीएबी आ रहा है बेटा जी 3,00,000 रुपए और हम पिछले बहुत सालों का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ जमा किए और म्युनिसिपल टैक्स से जमा हुआ 3,20,000, मेरा एनईवी क्या आएगा? नेगेटिव 20,000. क्या मेरे को 30% ऑफ एनईवी का छूट मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 24A है सर, फिगर हो तो उसका 30% का छूट हो सकता है. नेगेटिव का, नेगेटिव का फिगर तो नेगेटिव आ जाएगा. तो एनईवी अगर, एनईवी अगर जीरो या नेगेटिव है तो ये 30% ऑफ एनईवी का कोई छूट ही नहीं बनेगा ना. आराम से सोचो बेटा, आकाश तुमोजीत गौरव आनंद, अगर ये एनएवी मेरा नेगेटिव है बेटा, अभी हम लोग बात किए पिछले कई सालों का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ छूट ले सकते हैं. हाँ सर, म्युनिसिपल टैक्स का सीधा रूल है, पेड और पेड बाई एसएससी हो और फ्यूचर ईयर का नहीं हो क्लेम कर सकते हो. तो क्लेम किया सर, तो मेरा नेगेटिव एनएवी आ गया. सर जी नेगेटिव एनएवी का कोई 30% होता है क्या? ये तो आप गवर्नमेंट से छूट क्लेम कर रहे हो, जब पॉजिटिव फिगर है तब नेगेटिव का कोई छूट नहीं होगा. तो यहाँ पे ये बोला इन केस ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूसिव फॉर सेवरल पास्ट ईयर एंड देन अमाउंट ऑफ एनईवी बिकम नेगेटिव, तो तुमको फिर आगे वो 30% ऑफ एनईवी का छूट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है तुम्हारा केस लॉ के लिए, रिफंड ऑफ टैक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट. सर हम ना, मेरा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट ना, मेरा एरिया स्क्वायर फीट बांध के चला था 2,000 स्क्वायर फीट है और वो उसके हिसाब से म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट कर लिया. म्युनिसिपल टैक्स में आदमी बैठते हैं कि रोबोट म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में? सर अभी तक तो आदमी बैठ रहे, एआई उतना भी एडवांस नहीं किया कि हर जगह रोबोट ही बैठ जाए, है ना? आदमी से भूल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है. तो सर हो सकता है स्क्वायर फीट गलत ले लिया हो सकता है, उस एरिया में रेट गलत कैलकुलेट कर लिया हो वहां का आदमी,
जो भी हुआ तुमसे ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स ले लिया, मेरा बोलने का लॉजिक ये था। तुम केस लड़ोगे इसके लिए, कह रहे सर मेरा एरिया 2000 स्क्वायर फीट नहीं है या इस एरिया का इतना परसेंटेज नहीं बनता है। तुम केस लड़े, तुम केस जीत गए, तुमको म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जितना टैक्स एक्स्ट्रा लिया था रिफंड करेगा कि नहीं, बोलो। करना तो चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, करना तो चाहिए। लॉजिकल डिबेट करो बेटा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा लॉजिकल सेंस जो बोलता है ना वो बोलो खुल के, तभी टैक्स में तुम्हारा ब्रेन आगे जाके कंट्रोल में आएगा, कंटेंट कंट्रोल में आएगा। लॉजिक्स पे अगर वर्कआउट करोगे रेगुलरली तो सर रिफंड तो बनता है, सर दिलवाएगा रिफंड, कोर्ट दिलवा दिया। बेटा ये जब म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा पे किए थे तो ज्यादा का छूट क्लेम कर लिए थे, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने मिलता है जीएवी से। अगर हम ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स दे दिए थे उस वक्त और अब रिफंड क्लेम कर रहे हैं, केस जीत गए, तो ऑब्वियस बात है सर उन सालों में हम ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स दिए होंगे। मान लो ये 5 साल केस चला और हमारे साल मान लो 2000 के ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स दे दिए थे, तो हम 10,000 रुपये ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स दिए थे और क्लेम भी हम 10,000 का ज्यादा ही किए होंगे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स जितना पेड करते हैं उतना का छूट लेते हैं। पॉइंट क्लियर है ना? जितना म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट को दिए उतना ही तो छूट लिए होगे एज पर रूल। सर बाद में रिफंड आया, ये तो जब जमा देना था तब तो पूरे जमा देना था, तब तो डिपार्टमेंट बोलेगा केस लड़ते रहो जमा दो, हम तो यही मानेंगे। तुम केस जीत गए तो वापस कर देंगे और केस हार गए तो जो जमा था वही जमा रह जाए। ठीक है सर हो गया, हम ज्यादा दे दिए थे, हम ज्यादा का छूट भी ले लिए थे, अब रिफंड आ गया तो बताओ ये वापस टैक्सेबल होगा? लॉजिक बोलेगा हाँ, लॉजिक बोलेगा हाँ, है ना? तुम्हारा लॉजिक हाँ बोलेगा ना सर, अगर टैक्स का छूट लिए थे टैक्स में म्युनिसिपल टैक्स का, तो अब रिफंड आ गया तो वापस टैक्सेबल हो जाना चाहिए उतना अमाउंट। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला हम छिंदी चोरी में बिलीव नहीं करते, तो अगर कभी तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स कोई रिफंड आ जाए वो नॉट टैक्सेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है केस लॉ के। फाइन, ये बात अलग से याद रखना, अब तक बाकी सब चीज तुम्हारा लॉजिक्स पे चल रहा था, एनएवी नेगेटिव हो जाएगा तो उसका 30% छूट नहीं मिलेगा, वो सब लॉजिकल बात था, एडवांस का नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने टैक्स अब दे रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स तो उसका छूट मिल जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे थोड़ा लॉजिक को डिफीट करता हुआ बात है। तुम्हारा लॉजिक बोलता है अगर गवर्नमेंट छूट देता है तो अगर वो इनकम वापस कैंसिल, खर्चा वापस कैंसिल हो जाए तो उस पर टैक्स वापस बनता है मेरा, उतना छूट कैंसिल हो जाएगा दोबारा। बट यहाँ डिपार्टमेंट तुमको बोल रहा है हम छिंदी चोरी में बिलीव नहीं करते, तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स अगर रिफंड आ जाए वो नॉन टैक्सेबल होगा। मतलब रिफंड ले लो और जो टैक्स जमा दिए थे वही हो गया, फिर बात करो। अरे सर कभी भी ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, है ना? बहुत ज्यादा बड़ा गैपिंग आ सकता है क्या म्युनिसिपल टैक्स के कैलकुलेशन में और तुम्हारे हिसाब से में? नहीं सर, नहीं। तो सर गवर्नमेंट बोलता है अब ये 10,000 रुपया रिफंड, अब 10,000 का तुम्हारा 10% टैक्स कितना बनता है? 1,000 रुपया क्या तो वापस करेंगे और क्या नहीं, छोड़ो जो। हाँ ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं सर, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई SSC छूट नहीं मिलेगा, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड इज नॉट पेड इन एडवांस इज नॉट अलाउड। अगले साल ले लेना ना, वो नहीं बोल रहे मिलेगा ही नहीं, मिलेगा जरूर सर, एडवांस इस साल ले दिए दे दिया है सर। पहला बात तो कोई म्युनिसिपल टैक्स एडवांस देता है क्या? कभी कोई गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स देगा क्या जब तक गवर्नमेंट मांगेगा नहीं? सर लोग पुराना वाला नहीं दे पा रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुराना टैक्स वसूल करने में उनको नानी याद आ जा रहे। एडवांस दे तुम डिपार्टमेंट में कभी जाके पता करोगे ना, तुमको दिखेगा कोई दुनिया में एडवांस दिए ही नहीं, बोलोगे एडवांस टैक्स जीरो दिखाएगा। बट यहाँ पर रूल में लिख दिया कि अगर कोई दे देता है तो सर जी जिस साल के लिए दिया उस साल छूट क्लेम कर लेना, अभी एडवांस में छूट नहीं मिला। क्लियर है मेरा बात? हाँ। यही था तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स का रूल। तो देखो यार बोल रहे घर पटना में है, म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,00,000,
म्युनिसिपल टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब जिसके लिए सम सॉल्व कर रहे हो 23-24 असेसमेंट ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 5,000 पूरा छूट मिल जाएगा 5,000 का। हाँ सर, तो 1,00,000 जीए भी दिखाएंगे प्लस 5,000 म्युनिसिपल टैक्स, तुम्हारा एनईवी आ गया 95,000। नेक्स्ट घर देखते हैं, आनंद में है। सर ये कहाँ पे है? गुजरात। आनंद मतलब अपना वाला आनंद नहीं, ये गुजरात वाला आनंद है। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू है 2,00,000, क्रॉस एनुअल वैल्यू है 2,50,000, म्युनिसिपल टैक्स 10% किस पे कैलकुलेट हो गया था? जीएवी पे की है, म्युनिसिपल वैल्यू पे। बोलो अरे ये 10% किस पे होगा? 2,00,000 पे कि 2,50,000 पे? हाउस टू के केस में 2,00,000 पे ना, म्युनिसिपल वैल्यू पे ना, जीएवी पे थोड़ी ना कैलकुलेट होता है। परसेंटेज कैलकुलेट म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा क्योंकि ये म्युनिसिपल टैक्स है, अब माइनस होगा जीएवी से। हाँ तो ये देखो 20,000 निकला, 2,50,000 माइनस 20,000। तुमसे अलग से सिवरेज और वाटर टैक्स भी लिया है। अब यहाँ एक मेन बात सीखने जा रहे हो, सर मेरे से तो म्युनिसिपल टैक्स ले लिया अब 10%, इसके अलावा सिवरेज और वाटर टैक्स भी लिया है, हाँ तो छूट मिलेगा। नॉर्मल नियम यही है कि म्युनिसिपल टैक्स में ये सब इंक्लूड होता है, पर अगर तुम्हारे एरिया का म्युनिसिपैलिटी अलग अलग करके ले रहा है तो सर पूरा छूट लेंगे हम, क्यों छोड़ेंगे? तो 5% 2,00,000 का, 3% 2,00,000 का, 2,00,000 का 5% कितना होगा? 1,000, और 3% 600, तो ये सॉरी 10,000 और 6,000, ये भी छूट मिले, तो हमको 3-3 छूट मिले। सर नॉर्मल नियम है कि म्युनिसिपल टैक्स में ये दोनों इंक्लूड होता है, लेकिन अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमसे अलग से ले रहा है तुमको छूट भी मिलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। हाउस 3 बोला हैदराबाद में, म्युनिसिपल वैल्यू 3,00,000, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000, म्युनिसिपल टैक्स 5%, सीवरेज वाटर टैक्स अलग से 1,000 रुपया ले रहे हैं, वाटर टैक्स ले रहा है 5%। यहाँ बोल रहा हाउस 3 के केस में म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल है 94-95-21-22 और 2,00,000 का म्युनिसिपल टैक्स पे किए। बाबा रे, करंट ईयर का तो पे किए ही किए 94-95 से लेके 21-22 तक, 28 साल का और 2,00,000 भी पे किए। ठीक है सर, होगा कोई दिक्कत नहीं। जीएवी कितना दिया हुआ हाउस 3 का? 1,80,000, तो सर जीएवी लिख देंगे 1,80,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिए हैं? सर करंट ईयर का 5% है, तो 3,00,000 का 5% कितना होगा? 3,00,000 का 10% 30,000, 5% 15,000, तो वो 15,000 भी मिलेगा और पुराना 2,00,000 दिए थे वो भी मिलेगा, तो 2,00,000 15,000 मिलेगा, प्लस सिवरेज और वाटर टैक्स जो दे रहे हैं उसका भी छूट मिलेगा। तुम्हारा 1,80,000 का इनकम था, तुम्हारा छूट आ जा रहा है 2,31,000। कोई बात नहीं है, ने भी नेगेटिव हो सकता है, अपने तो पड़े ही। क्लियर है ये बात? 3 नंबर घर का। नेक्स्ट घर बोला बालूर घाट में, 4,00,000 का म्युनिसिपल वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5,00,000 है, म्युनिसिपल टैक्स 20%, 3% सीवरेज टैक्स, 2% वाटर टैक्स। हाउस 4 के बारे में एक रूल बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या हुआ? बोला म्युनिसिपल टैक्स को फाइनेंशियली 23-24 का भी पे किए, मतलब एडवांस दिए हो 3,000। सर ये एडवांस 3,000 छूट नहीं मिलेगा, ठीक बात ना? यानी कितने का म्युनिसिपल टैक्स छूट मिलेगा? 4,00,000 का 20% घर, 4,00,000 का 20% कितना होगा? 80,000। देखो खाली 80,000 ही छूट मिला, और 3,000 जो अलग से दियो अगले साल के लिए वो छूट नहीं मिलेगा, बाकी सीवरेज और वाटर टैक्स दियो उसका छूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला जोधपुर में घर है, 4,85,000 म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी 8,00,000 कैलकुलेट कर दिए, म्युनिसिपल टैक्स 12%, सिवरेज एंड वाटर टैक्स 3,750, वाटर टैक्स 5% रिस्पेक्टिवली। देखो 8,00,000 में कितना परसेंट बोला मेरे को म्युनिसिपल टैक्स 12%, तो 4,25,000 का 12%,
4,25,000 का 12% 51,000, और ये 3,750 मिलेगा ही 51,000, और ये 51,000 का जो आधा होता है वाटर टैक्स तुम्हारा कितना दिया हुआ है 5%। 4,25,000 का 5% कितना होगा 21,250, वो भी छूट मिल जाएगा। लास्ट घर बोला हाउस सिक्स में बोल रहा है इटावा में है, 6,00,000 का म्यूनिसिपल वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5,00,000 है, म्यूनिसिपल टैक्स 10%, सीवरेज टैक्स 1,000, वाटर टैक्स नहीं होगा वहां पे। हाउस सिक्स के बारे में कुछ बोला है, ऑल टैक्सेस चार्ज बाय म्यूनिसिपलिटी आर पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, पूरा पेड नहीं किए, कितना पे किए हैं अगर ये 80% पे किए तो जितना पे करते उतने का झूठ मिलता है ना, और उसमें भी 50% ओनर पे किया है और 30% पेड बाय टेनेंट है, तो सर जो टेनेंट पे किया उसका भी झूठ नहीं मिलेगा। तो जितना म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है उसका भी ये 80 का ही ब्रेकअप है, सॉरी 50-30। तो पहला बात तो जो पेड़ हुआ कितना पेड़ हुआ, म्यूनिसिपल टैक्स बनता कितना है सर 10%, तो 6,00,000 का 10% 6,500, 6,500 का तुम्हारा 80% कितना होगा 48,000, उसमें भी 50-30 करो तो यानी 30,000, तो 30,000 और लैंडलॉर्ड पे किए उतना ही छूट मिलेगा, और उधर में वाटर टैक्स का भी सॉरी सीवरेज टैक्स का 1,000, वहां भी बोल रहा हूँ ऑल टैक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ सिक्स का, यानी वहां भी आधा लैंडलॉर्ड दिए आधा टेनेंट दिए, तो 500 का छूट मिलेगा, तो तुमको ये छूट मिलेगा। ये है म्यूनिसिपल वैल्यू का काम। नेक्स्ट टॉपिक जिस दिन सैटरडे को आएंगे तुम्हारा चलेगा डिडक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर खत्म पे आ जाएगा।